तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो बहुत सी बार हम पढ़ रहे होते हैं और एकदम से लाइट चली जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, और इसी को लेकर मैं आपके लिए इस टेबल में आज लाइट लगा कर दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमें इसे बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होगी ये 5 वोल्ट LED लाइट, तो आपको इसे ले लेना है। और इसके मैंने वायर पहले से ही लगा ली है, तो आप भी इस तरह से इस पर वायर लगा लें। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, और ये है इसकी इनपुट वायर। और उसके बाद हमें चाहिए होगी ये बैटरी, तो आप इस बैटरी को ले लीजिए। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, और ये दोनों इसकी आउटपुट वायर है। और उसके बाद हमें चाहिए होगी SPST स्विच, इसमें एक 3 पिन और एक 2 पिन में है। तो हमें सबसे पहले इसमें 2 पिन वाला ले लेना है, क्योंकि हमें 3 पिन वाले की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद हमें चाहिए होगा ये वायर, ये थोड़ा हैवी वायर ले। और उसके बाद हमें चाहिए होगी ये टेप, और उसके साथ ही हमें इस फेवी क्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इन सबको ले लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस वायर को ले लेना है, और उसके बाद इस LED लाइट को हमें इसके ऊपर चिपकाना है। तो हम इसे फेवी क्यूब से चिपका देंगे। तो हम ले लेते हैं फेवी क्यूब और इसे चिपका देते हैं। तो हम इसे फेवी क्यूब से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो मैं इस पर फेवी क्यूब डाल के इसे चिपका देता हूँ। आपको भी इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर पर इस LED लाइट को चिपका दिया है, और उसके बाद हमें इस वायर को इस पर लपेट देना है। तो मैं इसको इसके ऊपर लपेट देता हूँ। और उसके बाद हमें इस नीचे वाले हिस्से पर टेप लगा देनी है। और ये हमारे इनपुट वायर है। और उसके बाद हमें इस स्विच को इस वायर पर लगा देना है। तो मैं इसे बीच में लगा देता हूँ वायर को कट करके। तो मैं सबसे पहले इसमें से एक वायर को काट लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस वायर को काट रहा हूँ। तो मैंने इस वायर को कट कर लिया है बीच में से, और उसके बाद हम इस स्विच को इसके ऊपर चिपका देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह स्विच बहुत अच्छी तरीके से चिपक चुका है। और उसके बाद इन दोनों वायर को हमें इस पर लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन दोनों वायर को इस स्विच पर लगा दिया है, और उसके बाद हमें इस पर टेप भी लगा दी है। और उसके बाद हमें इस LED लाइट को इस टेबल पर लगा देना है बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं इसे इसके ऊपर लगा देता हूँ इस टेबल पर। तो मैं इस LED लाइट को इस टेबल पर लगा देता हूँ। तो मैं इस पर कुछ किले ठोक के इसे लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर एक कील ठोक दी, और दूसरी को भी ठोक देता हूँ। और उसके बाद में इस पर थोड़ी फेवी क्यूब भी डाल देता हूँ, ताकि ये बार बार ही ले नहीं।
तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी हो चुकी है हमारी, और उसके बाद ये हमारे इनपुट वायर है और हम इस पर अब बैटरी लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम इन इनपुट वायर पर इस बैटरी को लगा देते हैं। तो मैं इन दोनों वायर को इस बैटरी पर लगा देता हूँ, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ और उसके बाद इस पर लगा देता हूँ। तो मैं इन दोनों वायर को इस पर लगा देता हूँ बैटरी पर, और उसके बाद मैं जैसे स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी लाइट जल जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं स्विच को ऑन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे स्विच को ऑन करता हूँ ये जल जाती है, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से जल रही है, बहुत ही ज़्यादा प्रकाश के साथ। तो हम इसे किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये बहुत ही अच्छी लाइट है, और आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। तो मैं आपको इसे अंधेरे में भी दिखा देता हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे प्रकाश के साथ जल रहा है, और ये लाइट जाने के बाद पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसे घर पर जरूर बनाए और यूज करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस करें, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाता रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।